नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको कटहल की पकौड़ी बहुत अलग तरीके से बनाना बता रही हूं। अलग तरीके से क्या है, कहीं कहीं बेसन से बनती है और मैं बेसन से कभी भी नहीं बनाती हूं। तो देखते हैं कि किस तरह से बना रही हूं और आप भी इसी तरह ज़रूर बनाइएगा। बेसन से कहीं ज़्यादा इस तरह से पकौड़ी अच्छी लगती है। तो ये है कटहरी, मतलब कटहल नहीं है, जिसमें बीजे बड़े बड़े होते हैं वो नहीं है, ये छोटा कटहल है। तो ये जो है मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और नीचे आप 1-2 चम्मच तेल डाल दीजिए ताकि कटहल के दूध से बर्तन ख़राब ना हो। अब इसमें नमक डाल दीजिए, क्योंकि पकौड़ी बनाएंगे तो अंदर नमक होना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो वो फीकी फीकी सी लगती है, इसलिए नमक जो है डाल दीजिए अंदर। अब इसको पकने के लिए चढ़ा दीजिए, पक जाए। अब देखिए ये पक चुका है, लेकिन इसको ओवर कुक बिल्कुल भी मत करिए, गलने ना पाए, ये थोड़ा सा टाइट रहे। जैसे ये देखिए, इस तरह से इतना ही पकाइए। और इसमें पानी है दोस्तों, तो पकौड़ी बनाने के कम 1.5 घंटा पहले आप उबाल लीजिए और इसको पंखे में रख दीजिए, या तो किसी कॉटन के कपड़े में इसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए फैला दीजिए, तो सारा पानी ये सोख लेगा, ठीक है। तो अभी इसमें पानी है, तुरंत मैंने इसको निकाला है, तो अभी इसको मैं पंखे ले जा रही हूँ पंखे में, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको डाल देती हूँ, उसी में सूख जाएगा पानी, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए क्या तैयारी करना है ये देख लेते हैं। ये है दोस्तों चने की दाल, और ये पहले कटहल दिखा देती हूँ कि देखिए ये 2 घंटे हो चुके हैं और कटहल काफ़ी सूख चुका है, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करें आप थोड़ा सा पहले। तो ये है चने की दाल, मैंने इसको 3 घंटे पहले भिगो दिया था, और ये इसमें पड़ना है चावल। तो जिस तरह से, मतलब 3 मुट्ठी आप चने की दाल लीजिए तो 1 मुट्ठी आपको चावल लेना है, अंदाज़ा बस इसी तरीके से आप करिएगा, ठीक है। तो 3 घंटे पहले मैंने इसको सब भिगो दिया था, अब मैं इसको धो चुकी हूँ और अब मैं इसको पीसना है। लेकिन डालना क्या है इसमें, जो है हरी मिर्च पड़ेगी, हरी मिर्च जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए, और लहसुन पड़ेगा, बस अभी इतना ही पड़ेगा, इसको डाल करके आप पीस लीजिए। दोस्तों ये पीस गया है, अब इसमें क्या क्या मसाला डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इसमें जीरा डाल दीजिए, और इसमें हल्दी पड़ेगी, धनिया पाउडर पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला पड़ेगा, दोस्तों। इस तरह से आप पकौड़ी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा इस टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नमक उस हिसाब से डालिएगा क्योंकि कटहल में भी नमक है, तो उसी हिसाब से आप नमक डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसको मिला लेते हैं, मैं बेसन से पकौड़ी दोस्तों कभी नहीं बनाती हूँ, मुझे चने की दाल और चावल, इसी की पकौड़ी कटहल की मुझे पसंद आती है, तो आप भी ज़रूर बनाएं इसी तरीके से। इसको मिला लेती हूँ ठीक से, नमक अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए दोस्तों। अब क्या करना है, कटहल को इसी में डाल दीजिए, पूरे कटहल इसी में डाल दीजिए, ताकि जितने मसाला हैं, गरम मसाला है, लहसुन है, मिर्चें हैं, उसका सारा फ्लेवर जो है ना इस कटहल के अंदर जा सके, ठीक है। चम्मच से नहीं मिलेगा, हाथ लगाना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि सारा मसाले का फ्लेवर कटहल के अंदर तक चला जाए। मैंने तेल चढ़ा दिया है और मिला रही हूँ। दोस्तों इसके लिए बहुत धीमी आंच नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत धीमी आंच अगर होगी तो तेल इसके अंदर भर जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगा। तो बस इसी तरह से डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पकौड़ी इसमें मत डालिएगा, 5 से ज़्यादा मत डालिएगा, जिस हिसाब से आपका बर्तन हो और जिस हिसाब से आपके बर्तन में तेल हो। तो दाल जो है, चने की दाल जो है कटहल में लगाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिएगा सिर्फ कटहल ना हो, चने की दाल भी आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इस तरह से पकौड़ी बना लीजिए।
देखिए दोस्तों ये लाल हो चुका है एक तरफ, अब इसको पलट लीजिए। काफ़ी कुरकुरी बनती हैं। चावल की वजह से भी और चने की दाल की वजह से भी। अब देखिए दोस्तों ये हो चुकी है और मैं इसको निकाल रही हूँ। अब इसको निकालने के बाद मैं दूसरी जो है दूसरी बार फिर से मैं डाल दे रही हूँ इसमें। आँच तेज रहेगी तो ये कुरकुरी बनेगी और चने की दाल जो है पक भी जाती है। लास्ट में थोड़ा सा धीमा कर दीजिएगा, सब पक जाता, कटहल तो पका ही है। देखिए दोस्तों ये पक गया है, जो तेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन कभी कभार तो खाना ही चाहिए सीजन में। तो इस तरह देखिए कटहल तो पका ही है, इस तरह से इसको आप बना लीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा घान भी हो चुका है, मैं इसको भी निकाल लूँगी दोस्तों। आप इसी तरह से बनाइएगा और खाइएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस खाली चना की दाल भीगनी होती है। बाय बाय दोस्तों।